हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन पॉइंट। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया, आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और आज का जो हम सेशन स्टार्ट करने वो है हमारा इंग्लिश पीरियल्स दोस्तों। इंग्लिश पीरियल्स है जो क्लास सेवन का है, जो क्लास सेवन का है माई डियर, जिसमें कि हम क्लास सेवन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास सेवन का है, यहाँ पे देख सकते हैं सेवन का है। अब यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं क्लास सेवन का है, थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे क्लास सेवन का है ये, और आप लोग देख रहे हैं क्लास सेवन का है इंग्लिश पीरियल्स। यहाँ पे इंग्लिश पीरियल्स है जो क्लास सेवन का, और हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं फुल हिंदी डिटेल्स में, ठीक है। जिसके राइटर आप लोग देख सकते हैं माय डियर, राइटर रिटेन बाई कनिका वर्मा MBA, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। कंटेंट देखिए, चैप्टर यहाँ पे देख लीजिए, जो कि लेसन वन द सॉन्ग ऑफ द इंजन, महात्मा गांधी, टॉम स्लैम, फोर्थ वाला द फोर्थ ब्रदर, सिंड्रेला, द अर्थ, ठीक है, द अर्थ, और ऐसे आगे भी हैं हमारे पूरे टोटल जो है कि 17 चैप्टर्स हो जाते हैं। उसके बाद पेपर वन, और यहाँ पे पेपर टेस्ट पेपर वन है, टेस्ट पेपर टू है, ये भी दोस्तों हम लोग जो है कि डिटेल में इसको कर लेंगे। और आप लोग को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इस चैनल पे जो है कि आप जुड़िए, आप लोग फुल सारे चैप्टर्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है कि आपको बिल्कुल यहीं पे मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो को जो है कि माय डियर जो है कि वीडियो को ना ज़्यादा बड़ा करते हुए जो कि आइए वीडियो को जो है कि हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन से हम बिल्कुल चलेंगे दोस्तों, चैप्टर वन से माय डियर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द सॉन्ग ऑफ द इंजन, द सॉन्ग ऑफ द इंजन देखते हैं चैप्टर वन का है ये। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि चैप्टर वन का है बिल्कुल, और हम जो किसी के साथ आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे है क्या। और यहाँ पे स्टंजा दिए हैं, एक स्टंजा ये रहा, नीचे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो दूसरा वाला है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा स्टंजा है, और यहाँ पे जो है कि तीसरा स्टंजा, उसके बाद यहाँ पे चौथा जो है कि चौथा स्टंजा यहाँ पे दिया। चार स्टंजों में जो है कि ये इस पोएम को दिया गया। पोएम को हम बिल्कुल पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिएगा, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन होगा। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों इसके राइटर जो हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप लिसन कुछ महत्वपूर्ण जो कि वर्ड मीनिंग्स है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लिसन ध्यान से सुनो, स्लोली धीरे धीरे, विथ ए विल पूरी शक्ति से, लेटर ऑन बाद में, रिक्वायर्स आवश्यकता होती है, जर्नी यात्रा, क्वालिटी शांति से, ठीक है, क्वालिटी जो है कि शांति से। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक एक स्टंजा पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक एक स्टंजा को जो है कि पढ़ते चलेंगे लाइन टू लाइन। पहले स्टंजे को हम जो है कि लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि व्हेन यू ट्रैवल ऑन द रेलवे एंड द लाइन गोज अप हिल, जस्ट लिसन टू द इंजन एज इट पुल यू विद ए व्हील। इस लाइन में क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है व्हेन यू ट्रैवल ऑन द रेलवे एंड द लाइन गोज अप ए हिल, जब तुम रेलवे में यात्रा करते हो और पटरियां जो है पहाड़ों के ऊपर से जाती हैं, जस्ट लिसन टू द इंजन एज इट पुल यू विथ ए व्हील, इंजन को जरा ध्यान से सुनो क्योंकि यह तुमको पूरी शक्ति से खींच रहा होता है, यह पूरी शक्ति से जो है तुमको खींचता है। आगे दूसरे स्टंजे में हम देखते हैं क्या कहता है, दूसरे स्टंजे में हम देखते हैं कि यहाँ पे कहता है थाउ इट गोज सो वेरी स्लोली, इट्स सिंग दिस लिटिल सॉन्ग, I think I can and so goes alone। इस साउंड से जो है कि इस साउंड में कहता है कि how it goes to very slowly it sings this little song। हालांकि यह, क्योंकि तुमको यह पूरी शक्ति से खींचता है, हालांकि यह धीरे धीरे जो है कि चलता है, यह धीरे धीरे जो है कि चलता है, यह धीरे धीरे इस प्रकार जाता है कि इसे जरा आप इसे it sings this little song, यह छोटा सा गाना गाता है, यह छोटा सा गाना गाता है, I think I can and so goes alone। कहता है मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ और इस प्रकार आगे बढ़ता जाता, और इस प्रकार जो है कि आगे बढ़ता जाता है। आगे नेक्स्ट स्टंजा क्या कह रहा है कि बट लेटर ऑन द जर्नी व्हेन यू आर गोइंग डाउन ए हिल द ट्रेन रिक्वायर्स नो पुलिंग एंड द इंजन एंड सिंगिंग स्टिल। कहता है दोस्तों इसमें कहता है बट लेटर ऑन द जर्नी व्हेन यू आर गोइंग डाउन ए हिल, लेकिन बाद की यात्रा
जब तुम पहाड़ से नीचे आते हो, कहता है जब बाद की जब यात्रा है, जब जो कि ट्रेन से आप पहाड़ी के नीचे की तरफ आते हैं, द रेल रिक्वायर्स स्नो पुलिंग, रिक्वायर्स रिक्वायर्स स्नो पुलिंग एंड द इंजन सिंगिंग स्टील। कह रहा रेल खींचने की, रेल को जो है कि खींचने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, एंड द इंजन सिंग स्टील, और फिर इंजन का गाना चलता रहता है, गाना जो है कि चलता, अभी भी जो है कि खींचने की कोई आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इंजन का गाना जो है कि इंजन का गीत जो है चलता रहता है दोस्तों। और आइए नेक्स्ट स्टंजा को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कवि। इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली यू विल हियर दिस लिटिल सॉन्ग, आई थॉट आई कुड एंड सो इट स्पीड अलोंग। कह रहा है इसमें दोस्तों, यदि तुम बहुत, कह रहा इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली, यदि तुम यह जो है कि शांतिपूर्वक सुनो, यदि तुम यह शांतिपूर्वक सुनो, यू विल हियर दिस लिटिल सॉन्ग, तुम यह छोटा गाना सुनोगे। कह रहा तुम यह छोटा गाना, तुम यह छोटा गीत सुनोगे। मैंने आई थॉट आई कुड, मैंने सोचा मैंने किया, मैंने सोचा मैंने किया, और इस प्रकार तेजी से जो है कि आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, एंड सो इट्स स्पीड एलोन आगे बढ़ता जाता है। कौन? ट्रेन की, दोस्तों ट्रेन की बात कर रहा है, ट्रेन के गीत की बात कर रहा है, सॉन्ग ऑफ द इंजन। एक बार फिर से जो है कि दोस्तों हम रिविजन करेंगे। कह रहा व्हेन यू ट्रैवल ऑन द रेलवे, जब आप रेलवे से आते हैं, एंड द लाइन गोज अप अ हिल, जब जो कि पटरियां जो पहाड़ियों के ऊपर जाती है, जस्ट लिसन टू द इंजन एज ए पुलिंग ऑफ द व्हील, आप इंजन को जो है कि सुनिए, वो जो है कि घिसता रहता है, जो कि इंजन को पूरी शक्ति से घिसता रहता है। कह रहा था हाउ इट गोज टू वेरी स्लोली, हालांकि यह धीरे होता है, इट सॉन्ग लिटिल, लेकिन फिर भी यह छोटा सा गीत सुनाता रहता है, एंड सो गोज एलोंग। कहता आई थिंक आई कैन, एंड सो गोज एलोंग, आई थिंक आई कैन, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ। क्या कभी बताया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, एंड सो इट गोज, और इस प्रकार आगे बढ़ता रहता है। बट लेटर ऑन द जर्नी, कुछ कुछ यात्रा के बाद, व्हेन यू यू आर गोइंग डाउन ए हिल, जब वह पहाड़ी से नीचे उतरता है, तो द ट्रेन रिक्वायर्स नो कूलिंग, उसे खींचने की कोई आवश्यकता नहीं होती, एंड द इंजन सिंग्स लिटिल स्टील, अभी तक इंजन जो है कि वह गीत सुनाते रहता है। इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली, आप यदि एकदम ध्यान से सुनो, धीरे से एकदम चुपचाप सुनो, यू विल हियर दिस लिटिल सॉन्ग, आई थॉट आई कुड एंड सो इट्स स्पीड एलोन। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि इट यू लिसन वेरी क्वाइटली, अभी बहुत ध्यान से सुनेंगे तो जो है कि अभी भी वो गाना, यह गीत सुनाई देगा कि मैं सोचा मैं किया, मैंने सोचा मैंने किया, एंड सो इट्स स्पीड एलोन। ठीक है, और इस प्रकार जो आगे बढ़ता चला जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो है कि लेखक जो है क्रिश्चियन वेदरली जी हैं, यहाँ पे इस पोयम के लेखक जो क्रिश्चियन वेदरली जी हैं, इसको ध्यान में रख लेना दोस्तों। या जो है कि आप बच्चों, ये सभी जो है कि ये जो कवि हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रख लेना। या और बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।